पक्का हो गया डन पक्का भाई जी कहाँ चल दिए जसपा में थे आप तो वेलकम दोस्तों 12-13 दिन हो गए भाई वीडियो डाले हुए रियली सॉरी फॉर दैट एक्चुअली हुआ क्या है ट्रिप से आने के बाद में फिर कुछ दिन तो आप सोचते हो कि रेस्ट कर लिया जाए एक्चुअली जो मुझे रिसेंटली डेंगू हुआ था ना उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ रहे हैं जब मैं जैसे ट्रिप पे होता हूँ उस टाइम तो मैं ज़्यादा नहीं फील करते बॉडी पे बट वापस आने के बाद अब की बार मुझे ना काफ़ी जहाँ जहाँ पे मेरे एक्सीडेंट्स हुए थे मेरे को चोटें लगी थी हर वो चोट दर्द कर रही थी अब की बार और फिर उसके बाद एक दो दिन रेस्ट करने के बाद में हम लोग निकल गए सीधा यमुनोत्री। अब यमुनोत्री जो जो गया है और जिसको नहीं पता यमुनोत्री एक्चुअली इज़ वन ऑफ द चार धाम्स जहाँ से यमुना रिवर जो है उनका उद्गम होता है जहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है तो गर्म और ठंडा दोनों तरह का यू नो वहाँ से स्रोत निकलता है पानी का वहाँ गए थे और वहाँ की ट्रैकिंग भाई बहुत खतरनाक है अगर आप वहाँ जा रहे हो देन यू नो आप कोई हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते ऊपर यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचने के लिए और उसके अलावा आप अगर गधे पे घोड़े पे या फिर यू नो किसी पालकी सी पे बैठ के जाते हो तो वो यार वो तो पाप है तो हम लोगों ने ट्रैकिंग करी और उसके बाद में भाई आने के बाद कई दिन तो ऐसा रहा बुखार ऐसा चढ़ गया इतनी थकान हो गई 7 किलोमीटर्स बिल्कुल स्ट्रेट अप चढ़ाई है वहाँ पे। उसके अलावा मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जो वो ट्रक खींचने वाली वीडियो थी भाई ट्रक अगर भरा होता तो वो होता 22,000-23,000 किलो का तो 22-23,000 किलो के ट्रक के लिए ग्रिप उस जगह पे नहीं मिलने वाली थी हम ट्राई भी करते तो भी शायद मुझे लगता है कि इट वॉज गोइंग टू बी टफ और खाली था वो मेरे ख्याल से 8 टन के आसपास वजन था उस ट्रक में और 8 टन ऐसी स्लोप पे और नीचे रोड पे यू नो फिसलन है तो वो भी बहुत टफ था ऐसे अगर पैरेलल रोड होता ना जैसे रोड पे गाड़ी खड़ी होती है आप भरे हुए 3 टैंकर बांध दो पीछे वो भी गाड़ी मूव कर देगी यार। अब तो उसके लिए हमने जो सामान यूज़ किया था अगर उस दिन गियर ना होता प्रॉपर तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि 8 टन भी इट वॉज़ वेरी हैवी और 8 टन की गाड़ी को आप झटका मार रहे हो झटका भी मारना पड़ा था और झटका आप रस्सी से या किसी मेटल की वायर से मारते तो मैं बता रहा हूँ हाइलक्स का कोई ना कोई डैमेज होने ही वाला था क्योंकि ट्रक तो ट्रक है क्या ही टूट जाएगा उसका। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ की थी मैक्स ट्रैक्स की 12 टन की काइनेटिक रोप। अब काइनेटिक रोप क्या जादूगरी है उसकी मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये सिंथेटिक होती है उसके अलावा इसके अंदर 30% फ्लेक्सिबिलिटी होती है मतलब 12 टन वेट 12 टन की लोड कैपेसिटी और उसके साथ में फिर यू नो ये 30% स्ट्रेच भी हो सकती है इस तरह से। अब वो स्ट्रेचिंग ही है जो इसको उसकी पावर देती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक बार मेरा एक फ्रेंड है सौरभ तो ऐसे ही कर रहे थे तो ही वॉज़ लाइक चलो कहीं पर कुछ करते हैं चलते हैं एंड हम लोगों ने क्या किया तो हम लोगों ने क्या किया एक तालाब सा था वहाँ पे हम लोग ट्राई करने लगे गाड़ी की चलो देखते हैं गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करता है ये कैसे काम कर गाड़ी जाके तालाब में बैठ गई तालाब में बैठ गई तो उसको निकालना हो गया बाहर ही तो फिर मुझे लगा अभी नहीं निकलेगी उसका बम्पर वम्पर एक दो लॉक खुल गए तो फिर मैंने क्या किया मैंने ये काइनेटिक रोप लगाई और हल्का सा झटका मारा पीछे हाइलक्स क्योंकि बराबर का वेट की गाड़ी थी और फ्लैट सरफेस थी तो उसने उसको उठा के बाहर फेंक दिया एक झटके में हल्के से में पता भी नहीं लगा गाड़ी के अंदर क्योंकि स्ट्रेच जो है ना वो स्ट्रेच जो है वो गाड़ी के ऊपर सीधा झटका नहीं लगने देता वो तो उस काइनेटिक एनर्जी को वो काइनेटिक रोप स्टोर कर लेती है और फिर उसके बाद जब वो वापस सिकुड़ती है तो उस जो सिकुड़न है वो खींच लेती है दूसरी गाड़ी को बाहर तो वो काइनेटिक रोप में यूज़ कर रहा था उस ट्रक में। अब एक चीज़ थी एक दिक्कत थी कि इट वॉज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और वो डैमेज भी हो गई है क्योंकि वो इतने हैवी लोड के लिए नहीं बनी हुई है वो पिकअप ट्रक्स वगैरह से खेलने के लिए बनी हुई है बट अब क्या करते उससे स्ट्रेंथ की चीज़ हमारे पास थी नहीं। उसके बाद में उस दिन उसकी भी स्ट्रेंथ पता लगी जो बिमरा का अपना जो टो हुक था उसने भी मतलब टच से मस नहीं हुआ हो सकता है उसके जो बोल्ट्स वगैरह हैं वो थोड़े से यू नो हो सकता है एक दो थ्रेड ख़राब हो गया हो
अभी तुमने खोल के नहीं देखा, मे भी ना भी हुआ हो। और उसके साथ में खाली ये नहीं था, जो हमारा शैकल था, शैकल की पिंस तक बैंड हो गई, जो मतलब लाइक इतनी मोटी मेटल की पिन होती है, वो ऐसे टेढ़ी हो रखी थी, शैकल खुल नहीं रहा था। तो था तो बड़ा टफ, बट हमारे पास उस दिन सामान था, नॉर्मली तो उसको नहीं निकाला सकता। मुझे पता लग रहा था जब मैं उसको लेके चढ़ रहा था, तो मैं वहाँ कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके उतना मैं पुल ही करके लेके जाऊँ। फर्स्ट गियर लो में था मैं, वहाँ पे अगर आप यू नो ओवरऑल कन्वर्जेंस करो तो गाड़ी कुछ 1300 से 1500 टाइप का टॉर्क जनरेट कर रही होगी लो में, क्योंकि स्पीड्स काफ़ी स्लो थी। फर्स्ट गियर में मैं लेके चल रहा था और मैंने वो लोड हटने ही नहीं दिया उस पे से, क्योंकि रिस्क ये था कि अगर हम रुक जाते रोड, ट्रक थोड़ा सा पीछे को फिसलने लगता तो मेरे को लेके फिसलता फिर पीछे, तो वो वाला रिस्क भी नहीं ले सकते। तो कैलकुलेशंस थी जो इसी तरह की थी मेरी, कि भाई एक कई बार क्या होता है, शाफ्ट वो इतना लोड डालते हो तो शाफ्ट भी कई बार ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, तो वो मुझे पता था कि वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रिप उतनी थी नहीं। टायर अगर स्लिप हो रहे हैं आपके, क्योंकि अगर टायर आपके स्लिप हो रहे हैं ना, तो कभी भी आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते जहां पे आप शाफ्ट बेंड कर दो। हाँ, रोड पे ज़बरदस्त ग्रिप है, वहां पे कुछ भी पॉसिबल है, बट ऐसी जगह पे पॉसिबल नहीं है जहां पे नीचे आइस है। अगर टायर स्लिप हो जाएगा तो वो अपने उसको जो लोड उसके शाफ्ट्स पे आ रहा होगा उसको आउट कर देगा किसी न किसी तरह से, तो वो वाला रिस्क नहीं था। मुझे प्रेम भाई उन्होंने कुछ फोटोज भेजे थे कि ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कल वो जो ब्रोशर्स थे एक्सपीडिशंस के वो फॉरवर्ड करा दिए थे सब लोग को। एक गलती हुई थी उसमें, हम लोगों ने क्या करा, वो ब्रोशर सेम स्टाइल के बना रहे थे, तो एक जो पेज था पेमेंट्स वाला पेज था जिसमें अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालने थे, तो वो सेम टू सेम दोनों में कॉपी हो गया था, जिसमें जैसलमेर वाला जो प्राइसिंग थी वो विंटर स्पीति में भी चली गई थी। तो वो फिर मैंने करेक्ट करवा दिया था, बाद में रीसेंड करा दिया था, ईमेल आप लोग को मिल गया होगा। तो पिछली बार एक्चुअली हमने कोशिश किया कि चीप से चीप कराया जाए, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं प्रीमियम कराया जाए, और उसके बेसिस पे अब हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में भाइयों की डिमांड क्या है, राइट? वो भी समझ आ जाएगा। अगर हमें लगेगा कि यू नो दोनों करने चाहिए, तो वी विल सी कि कैसे कराना है, क्योंकि नंबर्स यार हम लोग कम रखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को तो हम नहीं करा पाएंगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, वहाँ पे ना भीड़ ले जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जगहें जो है ना बड़ी डिस्टर्ब सी हो जाती हैं, पतले पतले रोड हैं। लोकल्स अगर मान लो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, लोकल्स गालियाँ देते हैं जब आप ज़्यादा गाड़ियाँ लेके वहाँ पहुँच जाते हो, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं यार। अब गाड़ी फंस गई, वो बंदा कहीं जा रहा है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, फंसा खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो होता क्या है ना यार, कि ज़्यादा लोग होने के बाद में इंटरेक्शन नहीं बचता बिल्कुल। अब जैसे आप लोग के कॉल आते हैं तो बात करके लगता है जैसे कि हम पता नहीं एक दूसरे को कब से जानते हैं, तो वो फिर जब आप वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं ना, तो फिर वो लेवल का इंटरेक्शन बचता नहीं है, क्योंकि देयर आर टू मैनी पीपल, और लाइक किस किस से इंटरेक्ट कर पाओगे, बहुत से लोग रह जाएंगे, देन यू नो समझ रहे हो ना, वो इश्यूज़ भी हैं। उसके अलावा लोकल्स वाले इशू मैंने आपको बता दिए कि लोकल्स परेशान होते हैं, और मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि चीज़ों को कैसे करना है। फिर वो हमें साइंटिस्ट मिले थे, जो उन्होंने भी साफ बोला था कि करना ज़रूरी है, करो, बट गलत तरीके से मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो, और एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो लंबे टाइम तक ये चीज़ें हो पाएंगी। सबका फ़ायदा है, लोकल्स का भी फ़ायदा है, जिनको एडवेंचर करना है वो जा भी पाएंगे, जिनको करवाना है वो करवा भी पाएंगे। तो ब्रोशर आपको मिल गए होंगे, आप देख लो, कोई क्वेश्चंस हैं ड्रॉप मी टेक्स्ट, वहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ कि यार सब ऑनलाइन ही करो, ऑटोमेटेड रहेगा, इनवॉइसिंग ऑटोमेटेड रहेगी, पेमेंट्स ऑटोमेटेड रहेंगी, तो उससे क्या है कि चीज़ें स्मूथली होगी। क्योंकि मैं अब ये काम मेरे को निपटाने थे, ये मैंने निपटा दिए हैं, अब आपका काम है, तो आप अपना देख लो, क्योंकि मैं अब जल्दी ही एक ट्रिप पे निकलने वाला हूँ, फिर वही कनेक्शन इश्यूज रहेंगे। मैं ये सोच के गया था कि मैं इस ट्रिप पे, जो अपनी पिछली वाली ट्रिप थी, इस पे सब निपटा दूंगा, मैं आप लोग को ईमेल्स की रिप्लाई भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, फायदा वहाँ से कुछ नहीं हुआ, मेरे से पेमेंट गेटवे नहीं इंटीग्रेट हुआ वेबसाइट पे, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। एक बार तो मेरे को लगा कि यार हम करते ही नहीं, चलो हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते ही नहीं, फिर यार हिम्मत करी, वापस आया, फिर से लगे, और फिर अब यार उतना याद भी नहीं रहता, कभी थोड़ा मोड़ा वेबसाइट वगैरह हल्की फुल्की पे काम किया था कभी अपने लिए, बट कभी इतना तरीके से नहीं किया था। तो जो डेजर्ट वाली ट्रिप है ना, वहाँ पे
आई डोंट नो कि यू नो ऑल व्हील ड्राइव कितना सॉलिड रहेगी, क्योंकि डेजर्ट में फिर ओवर हीट होने के चांस ऑल व्हील ड्राइव के होते हैं. इट्स ऑल अबाउट लाइक हैविंग फन एंड ऑल, और लो की नीड पड़ती है. बट स्नो ड्राइव में हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है कि XUV 700 वाज डूइंग रियली गुड. तो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ियाँ विंटर स्पीति के लिए भी वेलकम है. आप लोग यू नो ऑल व्हील ड्राइव जिसके पास है, दे कैन कम. कुछ क्वेरीज आई हुई थी इससे रिलेटेड कि आपने 4x4 लिखा हुआ है, ऑल व्हील ड्राइव उसमें मेंशन नहीं है, तो क्या ऑल व्हील ड्राइव नहीं जा पाएगी? जा सकती है, वो मेरी तरफ से मिस्टेक रही है. वहाँ पे 4x4 एंड / ऑल व्हील ड्राइव लिखना चाहिए था, एक वो चीज़ थी. ये भी एक क्वेरी आ रही थी. तो बाकी ये अपडेट थी कि भाई मैं क्या कर रहा था 10-12 दिन से, क्या चल रहा था. थोड़ा डिले रहा मेरी तरफ से, और इतनी ईमेल्स आई हुई थी यार कि मैंने ना BCC कर दिया सब लोग को. तो अब आप देख लेना, आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पर्सनल डायरेक्ट मेरे ईमेल को हिट नहीं कर रहा है, मेरा ईमेल मेंशन नहीं है. मैंने अपना ऊपर एक 2 में ईमेल डाल के बाकी सब लोग को BCC कर दिया था, क्योंकि तो मैं उतने ईमेल्स के रिप्लाई करता ना 1x1 यार, फिर 10 दिन और लग जाते हैं मुझे, और फिर मेरे को निकलना भी था. तो मैंने फिर इस तरह से कर दिया था. आप ठीक है, आई रियली होप आप समझोगे कि यू नो किस लिए BCC किया होगा आप लोग को. तो आप देख लेना, और अपडेट आपको मिल गया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब आगे क्या होने वाला है. और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब फिर से थोड़ा सा यू नो लाइन पे आते हैं, बड़े दिन दिन का गैप हो जाता है, फिर मेरी भी बिल्कुल आदत छूट जाती है वीडियोज़ वगैरह शूट करने की. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग DCV Expeditions गाइस. बाय बाय.